इतना किसी को नहीं मारे थे, ऐसा नहीं ना हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। इसका कहना लड़की अच्छी होती इस सब मैटर में ठीक रहती है, गेट उठ नहीं तोड़ती है, भले स्टाफ का हाथ तोड़ देती। रेलवे स्टेशन के आगे कम से कम 200 लीटर पेशाब कर देता है। जब आपको कहीं पे भी शौचालय न दिखे तो रेलवे गेट पे आपको भारत का ये एकदम कल्चर बन चुका है कि बार सामने गिरा दो दीवार से। हमारा जितना लाइव सेटअप है ना, जितनी ए टू जेड ऑनलाइन चीजें देख रहे हैं, ये मिश्रा जी ने लगाया है जो बिहार की है, बट वो दिल्ली में सेटअप में। कहते महाराज आप बिहार के, बिहार में ही ना का बड़ी समस्या है महाराज, कोनो से तन दो चार आगे पीछे हो जाएगा, दो चार दिन पैसा का लेन देन चार गो आके सुना देगा। समझा गया कि नहीं गया? कोनो का सामान मतलब उनका, तो ये आप लोग नेक्स्ट जनरेशन आ रहे हैं, आप थोड़ा सा शालीनता लाइए, बहुत आगे जाएंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। कहीं से अकड़ जाइएगा खत्म हो जाएंगे कहानी। आप अपने प्रधानमंत्री को देखिए, नरेंद्र मोदी को कुछ 370 हटवा के कश्मीर में पूरा आतंकवाद को साफ करने के बाद फिर भी प्यार से बोलते हैं आप लोग के लिए भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आतंकवादियों के लिए इससे बुरा दिन क्या हो सकता, लेकिन आतंकवादियों को उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। समझ में आएगी नहीं? तो उस ससुरन को उससे बुरा दिन क्या हो सकता है, बढ़िया से ओवर टाइम करके पीट रहा है। तो प्यार से भाषा में थोड़ी सी नरमी रहनी चाहिए। इतना दिन के बाद आप लोग को फर्स्ट टाइम डांटे, समझ में गया भाषा का मतलब क्या होता है। लाठी तो कोनो को नहीं मारे एगो को छोड़ के, इतना किसी को नहीं मारे थे, ऐसा नहीं ना हाथों ने हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। ऐसा थोड़े एक्सेस कर दोगे लोग तो बाबू हमको सबको बोलना पड़ता है एक्सेस कर। लड़की कुछ भी नहीं करती सब फिर भी डेली बोलते रहते, कुछ भी नहीं करती से तब। हाँ इसका कहना लड़की अच्छी होती इस सब मैटर में ठीक रहती है, गेट उठ नहीं तोड़ती है, भले स्टाफ का हाथ तोड़ देती, कम से कम गेट नहीं तोड़ती है। सब दिमाग होता है लड़की सबको, देखती से गेट टूटेगा नहीं, स्टाफ का हाथ कमजोर है तोड़ दो। अब क्या बताएंगे, यानी रेवेन्यू बता दिए, अब एक्सपेंडिचर बताएंगे। अब किसी एक चीज से रेलवे से चालू करेंगे, चार और वंदे भारत ट्रेन खुलेंगी, फलाना जगह से यहां तक जाएगी, इसके लिए इतना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा ही नहीं बताते हैं। यहां से खुलेगी, अब रेलवे में जितना काम होगा 10 मिनट रेलवे के बोलेंगे, रेलवे के लिए कोच सेंटर, कोच फैक्ट्री डाला जाएगा, इंजन कारखाना डाला जाएगा मधेपुरा में, इसको डेवलप किया जाएगा, यहां पे और ट्रेनें चलाई जाएंगी, इस ट्रेन को दोहरीकरण रेलवे लाइन को किया जाएगा, फलनिया स्टेशन को सुंदरीकरण किया जाएगा, इस नहीं देखते हैं, अरे कोनो स्टेशन को सुंदरीकरण कर देगा। रेलवे स्टेशन के आगे कम से कम 200 लीटर पेशाब कर देता है, वहां अमोनिया फैक्ट्री डालो रेलवे स्टेशन के आगे, पटना जंक्शन के आगे मार डालेगा सर, दो दिन बांध दो किसी को तो यहाँ पे 200 लीटर कर देता है। बनारस रेलवे स्टेशन पे पहले कचरा था, जब मोदी जी वहां के प्रधानमंत्री के लिए वहां की सीट बने तो अभी रेलवे स्टेशन को स्वर्ग बना दिया वहां पर, बनारस कैंट स्टेशन को। तो बड़े नेता जहां से उठते हैं वहां ज्यादा काम भी होता है। नहीं तो अमूमन आपके रेलवे स्टेशन, जब आपको कहीं पे भी शौचालय न दिखे तो रेलवे गेट पे आपको भारत का ये एकदम कल्चर बन चुका है कि बार सामने गिरा दो दीवार से।